नमस्कार, मैं हूं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने प्लास्टिक नोट लाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय बैंक नोटों के अस्थायित्व और नकली नोटों को रोकने की कोशिश निरंतर जारी रहेगी। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिए सुरक्षा मुद्रण पर कुल खर्च 4,682.80 करोड़ रुपए था। इसमें प्लास्टिक नोटों की छपाई पर कोई लागत नहीं आई है। अवैध लोन ऐप्स पर मोदी सरकार ने गूगल के साथ मिलकर बड़ा एक्शन लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर पिछले 2.5 साल में प्ले स्टोर से 4,700 धोखाधड़ी वाले ऐप्स को हटा दिया है। RBI मेटवाई के साथ 400 से अधिक ऐसे ऐप्स की लिस्ट शेयर की है। यह जानकारी संसद में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार अवैध लोन के ऐप्स के खतरे को रोकने के लिए RBI और अन्य नियामक निकायों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए भारत राइस लॉन्च किया है। अब आम आदमी 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल खरीद सकेंगे। सब्सिडी वाले चावल 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में मिलेंगे। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत राइस लॉन्च किया है। सरकार ने FCI के जरिए चावल की रिटेल बिक्री करने का फैसला लिया है। पहले फेज में NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के जरिए आप भारत राइस खरीद सकते हैं। UPI यूजर्स को कई बार पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही समस्या मंगलवार को भी देखने को मिली, जब कई सारे यूजर्स UPI पेमेंट करने में परेशान हुए। परेशान यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी दिक्कतें साझा की। NPCI ने इसका कारण बताया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की माने तो उसके लिए UPI नहीं बल्कि कुछ बैंकों के सर्वर की गड़बड़ी जिम्मेदार थी। NPCI ने कहा कि कुछ बैंकों के साथ इंटरनल टेक्निकल इश्यू थे जिसके चलते UPI यूजर्स को दिक्कतें आई हैं। लाक्सागिरी और मजार विवाद पर UP की बागपत कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यह फैसला हिंदू पक्ष में आया है। इसके अनुसार बरनावा स्थित 100 बीघा से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को मिल सकता है। वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा इस जमीन को कब्रिस्तान और मजार बताया गया था। कोर्ट में पेश किए सबूतों के आधार पर बताया गया है कि यह महाभारत के समय का लाक्षागृह था जो कभी हिंदुओं के लिए तीर्थस्थल जैसा था। फैसला आने के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। नोकिया ने अपने कामकाज को बेहतर बनाने और खर्च कम करने के लिए हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तरुण छाबरा को नया भारत प्रमुख नियुक्त किया है। तरुण छाबरा पहले नोकिया में मोबाइल नेटवर्क विभाग के प्रमुख थे। वह संजय मलिक की जगह लेंगे जिन्होंने लगभग 8 साल तक भारत में नोकिया का कामकाज संभाला था। भारत में ऐसे कई लोग हैं जो टीचर बन देश के भविष्य को संवारने का सपना रखते हैं। जो बच्चे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं उन्हें अभी तक ये जानकारी थी कि इस पोस्ट के लिए BEd की डिग्री जरूरी है, लेकिन अब अगले साल से भारत में BEd के कोर्स बंद किए जा रहे हैं। इसकी जगह अब नए कोर्स करने होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NTCTE ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले साल से 4 साल के BA, BEd और BSc BEd को बंद किया जा रहा है। उसकी जगह एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया जाएगा। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे को कंपनी अधिनियम की धारा 206 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से नोटिस मिला है। इसमें कंपनी द्वारा अपने संस्थापक स्मिथ ग्रोवर के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी गई है। भारत पे कंपनी के बोर्ड और इसके संस्थापक स्मिथ ग्रोवर के बीच विवाद चल रहा है। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने 2022 में कंपनी में कथित कॉरपोरेट प्रशासन की खामियों की जांच शुरू कराई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार MCA ने कंपनी से ग्रोवर के खिलाफ दीवानी और आपराधिक शिकायतों के बारे में अदालतों को सौंपे गए सबूत मांगे हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने उस कप्तान के नाम का ऐलान किया है जिसकी कप्तानी में खेलने में उन्हें सबसे ज्यादा मजा आया। इसके अलावा शमी ने बेस्ट कप्तान कौन है इसको लेकर भी अपनी राय रखी है। दरअसल एक मीडिया इंटरव्यू में शमी से एक सवाल किया गया और पूछा गया कि आपकी नज़र में धोनी, कोहली और रोहित शर्मा में से बेस्ट कप्तान कौन है। इस सवाल पर शमी ने सीधे तौर पर धोनी को बेस्ट कप्तान माना है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में पिछले 3 महीने इसमें 2 लाख से अधिक नए शिक्षकों की बहाली BPSC की ओर से की गई है। आगे भी बहाली होने वाली है। वहीं 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक भी स्कूलों में अपना योगदान दे रहे हैं। इन सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। बीते मंगलवार यानी 6 फरवरी को शिक्षा विभाग से पत्र जारी हुआ है और 7 फरवरी तक वेतन भुगतान के लिए कहा गया था।
ईरान ने वीजा शर्तों में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सुविधा समाप्त करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक अब सिर्फ पासपोर्ट के साथ ईरान जा सकते हैं, पर यह सुविधा केवल पर्यटन के लिए ईरान जाने वालों को ही मिलेगी। ईरान ने घोषणा की है कि भारत के नागरिकों के लिए वीजा की जरूरत 4 फरवरी 2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन समाप्त कर दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा अनुमान है कि केंद्र सरकार होली से पहले डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। बता दें कि साल 25 मार्च 2024 को होली मनाई जाएगी। अब तक के पैटर्न के मुताबिक मार्च महीने तक ऐलान हो जाता है, यही वजह है कि उम्मीदें बढ़ गई हैं। अहम बात यह है कि मार्च महीने में ऐलान के बाद 31 मार्च को जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी आएगी तब उसमें 2 महीने का एरियर भी शामिल होगा। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पूरा देश चुनावी माहौल में डूबा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने पाकिस्तान संसदीय चुनाव 2024 और चुनाव से पहले भारत पाकिस्तान के संबंधों पर पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव न केवल सबसे अधिक अनुमानित है बल्कि धांधली से भरे हुए हैं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2014 से पहले के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध श्वेत पत्र लाने का फैसला किया है। इसके जरिए केंद्र सरकार यह बताएगी कि साल 2014 के पहले की आर्थिक नीतियां कैसी थी और तब के मुकाबले आज 10 साल बाद क्या स्थिति है। इसके लिए केंद्र ने संसद में बजट सत्र का एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर नशे में गाड़ी चलाने से संबंधित काफी दुर्घटनाएं होती हैं। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में राजमार्गों, धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बार बार मुकदमेबाजी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पिछले सप्ताह अस्पष्टताओं को दूर करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि दिसंबर 2016 से ही इस मामले पर कई फैसले दिए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी भाजपा ने बीते चुनाव में हारी 144 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश की कुछ सीटों को छोड़कर पार्टी ने बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है। विपक्षी गठबंधन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए पार्टी इसी महीने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। उम्मीदवार तय करने के क्रम में पार्टी ने राज्यसभा से जुड़े 90% मंत्रियों की सीटें भी चिन्हित कर ली हैं। यूएई ने सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार को गोल्ड वीजा दिया है। अब अनंत कुमार भी उस सूची में आ गए हैं जिनके पास यह वीजा होगा। यूएई ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त समेत कई मशहूर हस्तियों को पहले से ही गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। गौरतलब है कि 2019 में यूएई ने गोल्डन वीजा देने की शुरुआत की थी, जिसके तहत इस वीजा को पाने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक यूएई में स्वतंत्र रूप से काम, आवास और अध्ययन करने की छूट मिलती है। विज्ञान, ज्ञान, संस्कृति और कला के क्षेत्र में व्यक्तियों को गोल्डन वीजा दिया जाता है। आनंद कुमार को भारत स्थित यूएई दूतावास द्वारा गोल्डन वीजा के लिए नामांकित किया गया था। मंगलवार को यह आधिकारिक तौर पर उन्हें प्राप्त हुआ है। सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इससे जुड़ा विधेयक द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया, जिससे प्रावधान है कि यदि कोई परीक्षाओं में गड़बड़ी करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। इस फैसले के बाद कई छात्र नकल को लेकर भी असमंजस में थे, जिस पर मंगलवार को जितेंद्र सिंह ने स्थिति को साफ करते हुए कहा कि छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रस्तावित कानून के दायरे में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमने छात्र या उम्मीदवारों को इस कानून के दायरे में नहीं रखा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे थे। अब 6 फरवरी को उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को जो विभाग मिला है उसका पदभार उन्होंने ग्रहण किया। SC/ST कल्याण विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी कुल 2 विभाग दिए गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं है। संतोष कुमार सुमन ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता जीतन राम मांझी जो भी बोल रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं उनके बयान पर कुछ नहीं बोलूंगा। NDA से मैं नाराज नहीं हूँ, सब लोग एकजुट हैं। नाराजगी रहती तो मैं पदभार ग्रहण नहीं करता। इंग्लैंड के केविन पीटरसन और भारत के जहीर खान ने विशाखापत्तनम में भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट के 4th दिन एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई वह मजाकिया अंदाज में हुई है। दरअसल पीटरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर मजाक किया था, जिस पर जहीर ने सच्चाई दिखाई और युवराज सिंह का नाम लेकर तंज कसा। पीटरसन का कहना था कि उन्होंने टेस्ट में माही को आउट किया है और उनके विकेटों की लिस्ट में पाकिस्तान के कामरान अकमल के साथ धोनी का नाम भी है। इस पर जहीर ने पीटरसन को युवराज की बाएं हाथ की धीमे स्पिन के खिलाफ उनके संघर्ष की याद दिला दी।
हिंसाग्रस्त मणिपुर के हालात बिगाड़ने में विदेशी ताकतों की साजिश के दावों के बीच केंद्र सरकार ने सीमा को सुरक्षित करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार भारत की सीमा की बारेबंदी करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यह कदम भारत म्यांमार सीमा पर प्रचलित मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। मुक्त आवाजाही व्यवस्था के तहत भारत म्यांमार सीमा के करीब रहने वाले लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक ही जाने की अनुमति दी जाती है। दाल, अनाज और मीट को मिलाकर पकने वाले नॉनवेज व्यंजन हलीम के स्टैंडर्ड भी अब तय किए जाएंगे। तय मानकों के हिसाब से इस डिश को बनाने वालों को ही FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिल सकेगा। सरकार ने भारत में खाने के स्टैंडर्ड में सुधार को लेकर अमेंडमेंट्स को मंजूरी दे दी है। इसके अलावे सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स अब केवल एक ही संस्था जारी कर सकेगी। FSSAI को यह जिम्मा पूरी तरह से दे दिया गया है कि भारतीय बाजार में बिकने वाले हर तरह के खाद्य पदार्थ के लिए केवल वहीं से सर्टिफिकेट मिले। सांसद जयंत सिन्हा की अगुवाई में संसद की एक समिति ने सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST कम करने का सुझाव दिया है। समिति ने इस पर GST 18% से कम रखने की सिफारिश की है। कमेटी का मानना है कि खास तौर पर सीनियर सिटीजन और माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में यह कदम उठाने की जरूरत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इस बार बड़े लेवल पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साथ ही न सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। आयोग के मुताबिक मार्च में ही परीक्षा होगी और परीक्षा का परिणाम भी मार्च में ही घोषित किया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती से जुड़े कई अहम बातें बताई हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के मुताबिक तीसरे चरण में इस साल करीब 1,00,000 पदों पर यह वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने बुधवार को कहा कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। स्पीकर ने अपने खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि उन्हें आज इसकी जानकारी मिली है, इसका फैसला विधायक करेंगे। विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, मेरे ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली है। नियमावली के अनुसार स्पीकर पर सदस्य अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प दे देते हैं तो 14 दिन या 14वां दिन तक विधानसभा अध्यक्ष उस पद पर बने रहेंगे। इस पर जिस दिन तक का सदन में मतदान नहीं हो जाता है तब तक वे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और उससे लाभान्वित भी हो चुके हैं उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें अधिक पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अपवर्गीकरण करने का अधिकार है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने के जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे दिन बुधवार को भी बहस हुई। कोर्ट ने सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी तहखाने में पूजा करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट अब यह सुनवाई 12 फरवरी को करेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि वह सपा और इंडिया अलायंस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हाथ थाम सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने अहम टिप्पणी की है। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी पढ़ा है कि RLD जल्द ही NDA परिवार में शामिल होगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करती हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हालांकि मुझे BJP और RLD के बीच सीट बंटवारे के समझौते के बारे में जानकारी नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौसाद रजा, छोटू राजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश सिन्हा, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपका पसंदीदा ऐप कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।